रहीम के दोहे। परिचय। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। इन दोहों में रहीम जी ने जीवन के विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया है। कविता। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, बिपति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। जाल परे जाल जात बही तजी मिनन को मोहो, रहमन मचरी नीर को तव ना छाड़ती छोहो। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत ना पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। धरती की सी रीत है सीत घाम ओ में, जैसे परे सुसही रहे त्यों रहीम यह दे। कविता व्याख्या। रहीम जी कहते हैं सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। रहीम जी कहते हैं जब मछली पकड़ने के लिए जाल पानी में डाला जाता है, मछलियों के प्रति मोह को छोड़ जल शीघ्र ही निकल जाता है, वह उससे बाहर बह जाता है। लेकिन मछलियाँ जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती, अतः वे जल से अलग होते ही मर जाती हैं। वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता है और ना ही तालाब कभी अपना जल पीता है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करता है और वे दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देता है। हर महीने में आकाश में घने काले बादल बिना पानी के खाली गड़गड़ाहट की आवाज करते हैं, बरसते नहीं। जैसे धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर अपनी पिछली बातों को याद कर घमंड भरी बातें बोलता है। इस शरीर की रीति धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी बरसात के विपरीत स्थितियों को अपने पर झेल लेती है, मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करता है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा